यूपीआई पेमेंट्स यूज करते हैं तो आने वाली खबर आपको परेशानी में डाल सकती है। क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, वेलकम टू फिनोटेक। घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि अब आप यूपीआई यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब आप जितना चाहे उतना यूपीआई यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी भारत की 95% पॉपुलेशन के तरह यूपीआई को यूज करते हैं तो अब ये खबर आपके ऊपर डालने वाली है एक इम्पैक्ट। दरअसल हुआ ये है कि NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने EPAP थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स यानी फोन पे, गूगल पे, भीम UPI जैसे, इन पे वॉल्यूम पे 30% का कैप लगा दिया है। अब इसके चलते इनको अपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे पे लिमिट लगानी पड़ेगी। अब ये आपको जितना आप चाहें उतना नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर डे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, इसके बारे में RBI से बातचीत चल रही है, लेकिन इसकी लागू करने की डेट डिसाइड की गई है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर के बाद सभी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अपने अपने लिमिट्स डिसाइड करेंगी और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ एक गौर करने वाली बात ये है कि ये जो लिमिट्स है ये अपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भीम पे, भीम, गूगल पे, फोन पे जैसे, ये अपने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे लगाएंगे। इसके अलावा एक और लिमिट होती है जो आपका बैंक अपने आपके ट्रांजेक्शन्स पे लगा के रखता है कि आप एक दिन में इतने ज़्यादा से अमाउंट का ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिट रहेगी UPI पेमेंट्स के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स पर डे पर। आपकी जो लिमिट है वो हर रात में 12 बजे रिन्यू हो जाती है, जो बैंक के ट्रांजेक्शन की लिमिट है उसी तरह से ये भी रहेगी। देखो, बताई हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी, आई है तो आपको पता है करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल। मिलते हैं फिर किसी और इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।